के बड़ा शौक है मुझसे मिलने का, तो एक आध दिन आकर मिलने। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो, अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। फिर अपनी थोड़ा पजामा को टटोल के देख ली कि मैंने बाथरूम किया है कि नहीं किया है। ब्राह्मण अगर संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते। भारत में पंडित जी बैठे हुए बहुत ऊंची जगह पे, और तुम कहां बैठे हो? नीचे। और बैठे बैठे तुम्हें कम से कम 7-8 घंटे तुमको पागल बनाया। मूर्ख फटरी के बड़े नकटा, मुझे मिल जा मैं मसल दूंगा तुझे। तो हम पागल बनते हैं, वो 9 दिन में पूरे गांव पूरे क्षेत्र का सामान और बच्चा भी लेता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके और 9 दिनों में रफ चक्कर हो जाता है। पर उंगली उठाता है कथा वाचकों पर, तो लग रहा है कि ये सनातनी का डीएनए नहीं है, कोई और डीएनए है इसके। आर्मी जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, एससी ओबीसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के लिए जो है संकल्प लेते हैं कि अब बहुजन जाग गया है और इस देश से चोर लुटेरे भाग गए हैं। सरकार अभी तक चुप क्यों है? जब इतनी बड़ी बात बोल दी और उस पर एफआईआर नहीं हुई है। अगर मेरी हत्या हो गई तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर हत्या हो गई, अगर उधम दंगा हुए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जातिवाद नहीं चलेगा, ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, पाखंडवाद नहीं चलेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति द्वारा लोधी समाज की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और उसके बाद मचे बवाल पर पुलिस का रिएक्शन और प्रीतम सिंह लोधी का ब्राह्मणवाद के खिलाफ दिया गया बयान और उस पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, इन सब घटनाओं ने मध्य प्रदेश में पाखंड विरोधी बहुजन समाज और पाखंडवाद के प्रबल समर्थक ब्राह्मणवादियों को आमने सामने ला दिया है। हैरत की बात यह है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक समाज विशेष को दबाने में लगे इन पाखंडवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश में इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग छिड़ गई। एक वीडियो वायरल हुआ है, एक कोई तथाकथित नेता है बहुत बड़े, उसकी ठटरी भरे ब्राह्मण और कथावाचक 8-8 घंटे बर्बाद करते हैं, सार क्या निकलता है? नकटा तोरो बाप निकरत। मूर्ख फटरी के बड़े नकटा, मुझे मिल जा मैं मसल दूंगा तुझे। हे धरती के स्वयंभू देवता, इतना क्रोध क्यों, इतनी नफरत क्यों? अपना मुंह खराब करने की जरूरत कहां है? आप तो इतने सर्वशक्तिमान हैं कि श्राप देकर के प्रीतम सिंह लोधी जैसे लोगों को वहीं बैठ करके भस्म कर दीजिए, क्यों अपना मुंह खराब कर रहे हो? दरअसल मामला धर्म या कर्मकांड का ना हो करके धंधे का है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। बागेश्वर धाम के नाम से अपनी ठीक ठाक दुकानदारी सजाए धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री खुद ये बात कह रहा है, सुन लीजिए। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन कौन खरीदता? आप ही तो खरीद रहे ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? गलती तो की है प्रीतम सिंह लोधी और उनके समर्थकों ने। जब किसी की रोजी रोटी पर डायरेक्ट प्रहार करोगे तो स्वाभाविक है उसका कष्ट निकल करके बाहर आएगा, मगर शब्दों की एक मर्यादा होनी चाहिए। बार बार जिस व्यासपीठ की बात ये शख्स कर रहा है उससे ज्यादा धिक्कार है उन पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को जो सामने बैठ करके गालियां खिलवा रहे हैं अपने पूर्वजों को। स्पष्ट कह रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ब्राह्मण अगर इस संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप तक को नहीं जान पाते। ब्राह्मण अगर इस संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते। बात केवल अपमानित करने की नहीं, हिंसा भड़काने की भी है। अगर प्रीतम सिंह लोधी पर FIR दर्ज हुई है तो इस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर क्यों नहीं? स्पष्ट तौर पर हजारों लोगों की भीड़ के बीच में कह रहा है कि अगर सनातनी हो
तो प्रीतम सिंह लोधी जैसे शख्स को सबक सिखाओ। हम निवेदन करेंगे अंत में, हमारी बात को बुरा मत मानना, मध्य प्रदेश को उस तथा कथित धूमकेतु को आप लोग मजा जरूर चखाना। अगर आप सनातनी हो तो, नहीं तो चूड़ियां पहन लो। कभी अगर तुम हमारे चक्कर में या राउंड में फंस गए तो ठठरी ठठरी ठठरी। धीरेंद्र कृष्ण का हौसला इसलिए बढ़ा हुआ था क्योंकि इससे पहले यादव समाज क्षत्रिय समाज के बारे में अनर्गल टिप्पणियां कर चुका था और उसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की हिम्मत नहीं हुई थी, इन समाजों की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसके खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन करें। ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, नहीं नहीं, ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। एक महात्मा हमें बताया करते थे, ब्राह्मण लात हरण के ही है, ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण पैठ पताल चलो, ब्राह्मण ही 60,000 जारियो, ब्राह्मण से मत बैर करो, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। मगर इस बार पानी सर से ऊपर जा चुका था, एकमात्र लोधी समाज नहीं बल्कि पूरा पिछड़ा वर्ग एकजुट हो गया। क्योंकि प्रीतम सिंह लोधी को जब भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया, हाथ पैर नहीं जोड़े, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को स्पष्ट संदेश देते हुए लिखा, हारी हुई बाजी को पलट दे, उसे बाजीगर कहते हैं, याद रखना भाइयों, टाइगर अभी जिंदा है। अभी हाल में खबर आई कि प्रीतम सिंह लोधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो ओबीसी महासभा ज्वाइन करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को, पाखंडवाद के विरोध की लड़ाई को रफ्तार देंगे। हालांकि इसका संकेत प्रीतम सिंह लोधी ने तभी दे दिया था जब अपने समर्थन में पिछोर में आई लाखों की भीड़ के बीच में वो भगवा नहीं बल्कि नीले कलर का दुपट्टा प्रतीकात्मक रूप से लेकर के खुली जीप में लोगों के बीच में घूम रहे थे। लोगों ने भी उत्साह बढ़ाते हुए जितनी तादाद में ओबीसी महासभा के लोग एकजुट हुए, उसी रेशियो में भीम आर्मी और बहुजन समाज के अन्य संगठनों के लोग भी एकजुट हुए, पाखंडवाद के विरोध में, ब्राह्मणवाद के विरोध में, मनुवाद के विरोध में स्पष्ट तौर पर नारेबाजी करते हुए मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में इस लड़ाई को रफ्तार देने के लिए वहां पर शपथ भी ली गई। तो देश के लिए जो है संकल्प लेते हैं कि अब बहुजन जाग गया है और इस देश से चोर लुटेरे भाग गए हैं। प्रकरण ने ओबीसी के ऊपर लगे हुए एक दाग को भी धुल दिया। कहा जाता है कि ओबीसी वर्ग कभी बन ही नहीं पाता है, वो जातियों में विभक्त होकर के लड़ाई लड़ता है। लेकिन इस प्रकरण में जिन लोगों पर एफआईआर हुई है उनके नाम जरा सुनिए, आपको तसल्ली होगी कि ओबीसी एक वर्ग के रूप में इस पाखंडवाद के विरोध में मध्य प्रदेश में कम से कम लड़ाई लड़ रहा है। महेंद्र सिंह लोधी पर एफआईआर हुई, अंकुश यादव, प्रदीप चौरसिया, उमा शंकर पटेल, राजेश यादव, धर्मेंद्र लोधी, रानी सायकवार, भागीरथ कुशवाहा समेत तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर झेल रहे महेंद्र सिंह लोधी ने नेशनल जनमत से बातचीत में बताया कि अभी तो ये टेलर था। 4 सितंबर को सागर जिले में महापंचायत बुलाई गई है जिसमें ओबीसी महासभा, भीम आर्मी समेत बहुजन समाज के सैकड़ों संगठन, लाखों की संख्या में भीड़ एकजुट होगी और इस तानाशाही, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ मुखर तौर पर आवाज बुलंद की जाएगी। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं धन्यवाद देता हूं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को, उसने अपनी इस ज्ञान गंगा में कई बार बताया कि कथावाचक और ब्राह्मण एक बात है। उसने ब्राह्मणों और कथावाचकों की आवश्यकता बताते हुए कहा कि ब्राह्मणों की जरूरत इसलिए है कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी राम के बारे में जान सके। कथा वाचकों की जरूरत है, ब्राह्मणों की जरूरत है ताकि आने वाली तुम्हारी पीढ़ी राम के बारे में जान पाए। तो स्पष्ट इसका निहितार्थ समझ लीजिए कि अगर अपने आगे आने वाली पीढ़ी को
राम के बारे में बताना चाहते हो तो कथावाचकों को सुन लो और ब्राह्मणों को सुन लो, और अगर आगे आने वाली पीढ़ी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पत्रकार, अच्छा वकील, आईएएस या अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहते हो तो विज्ञान, संविधान, शिक्षा, स्कूल की तरफ मुंह कर लो। अब तय आपको करना है कि आगे आने वाली पीढ़ी को पोंगा पंथ, अंधविश्वास, पाखंड, धर्मांधता, धर्म की अफीम सुंघाना चाहते हो या उनको विज्ञान के रास्ते पर और बहुजन महापुरुषों के दिए हुए मार्ग यानी कि शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि कथावाचकों का ज्ञान लोगे तो पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले का ज्ञान लेना पड़ेगा, जो कह रहा है कि साल भर अपने बच्चों को स्कूलों से दूर रखो, साल भर कुछ ना पढ़ें, लेकिन एग्जाम के समय जाकर के शिवलिंग में बेलपत्री चस्पा कर दें, पास हो जाएंगे। बीच वाली पत्ती पर शहर लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरे साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। प्रीतम सिंह लोधी और ओबीसी महासभा का विरोध करने के चक्कर में हिंदू महासभा ने पाखंड विरोधियों का एक काम आसान कर दिया। जरा एक खबर देखिए, हिंदू महासभा ने प्रीतम सिंह लोधी के विरोध में प्रदर्शन किया और आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ब्राह्मण महासभा ये कर रही थी तो बात समझ में आती है, लेकिन हिंदू महासभा ब्राह्मण के समर्थन में और लोधी के विरोध में ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन लोधी समाज को ये बात समझ लेनी चाहिए कि तुम कब कब हिंदू हो और कब कब नहीं हो। हिंदू महासभा ने यह बात भी प्रूफ कर दी जो अमूमन लोग आरोप लगा देते हैं कि हिंदू धर्म रक्षकों का असली मकसद एक जाति वर्चस्व की स्थापना करना है। बहरहाल इस घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और उनका चहेता धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जितना प्रफुल्लित महसूस कर रहे थे उनका नशा काफूर हो गया। इस बार ओबीसी महासभा और बहुजन संगठन केवल नारेबाजी या हो हंगामा ही नहीं कर रहे बल्कि पूरी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस पाखंडी के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसके अलावा पिछोर समेत तमाम सारे क्षेत्रों में ओबीसी महासभा से जुड़े हुए तमाम सारे लोग, खास तौर पर लोधी समाज ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, ब्राह्मणों के किसी भी कर्मकांड का बहिष्कार करते हैं। पिछोर क्षेत्र में बकायदा एक भागवत कथा को निरस्त भी करवा दिया गया है। खैर, मध्य प्रदेश के जातिवादियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक ब्राह्मण द्वारा लोधी समाज की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का गुस्सा और प्रीतम सिंह लोधी द्वारा दिए गए बयान पर उनका रिएक्शन इतना खतरनाक होगा कि उनके खिलाफ खुलेआम पूरे देश में बगावत होने लगी है। देखते रहिए संजनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।